किसान साथियों नमस्कार। मेरे पास एक करेले का पौधा तैयार है नर्सरी खेतों में लगाने के लिए, तो आज इस पौधे को अपने खेत में आज लगाने जा रहा हूँ। तो किसान साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी कर लेना। तो चलिए देखिए, इस ग्लास में जो इसका जड़ है तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो कैसे क्या अपने खेत में इसको कैसे लगाना है, क्या सब करना है, पूरा ए टू जेड इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। और मैंने इसका नर्सरी कैसे लगाया था, जनवरी के शुरुआत में ही मैंने इसको नर्सरी लगा लिया था और अभी जनवरी एंड होने वाला है और मैं अपने खेत में इसको लगाने जा रहा हूँ। प्लास्टिक ग्लास और पॉली बैग में मैंने नर्सरी जो लगाया है इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से आप उसका वीडियो आप देख सकते हो। और अब भी उसका जर्मिनेशन कैसे करना है जनवरी दिसंबर में, उसका पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा आपको पॉली। तो आज मैं जो मॉडल दिखाने वाला हूँ किसान साथियों, इस मॉडल से आप अच्छा बेनिफिट और अच्छा कमाई अपने छोटे खेतों से भी कर सकते हैं। मैं आ गया अपने खेतों में। मेरे खेत में अभी प्याज का नर्सरी लगा हुआ है और ये मेड पहले से मैंने पहले खाली छोड़ रखा है और इस मेड पे मैं करेले का पौधा रोपण करूंगा। इस मॉडल से छोटे किसान को अच्छा मुनाफा हो सकता है। बाल्टी में पानी है, इसमें मैं मैमको जेब कार्बेंडा जैम का जो फार्मूला वाली दवा होता है उसका घोल बनाएंगे और जहाँ पर मैं करेले लगाऊँगा उस गड्ढे को इस पानी से भरना होगा। उससे क्या होगा कि आपका मिट्टी उपचारित हो जाएगा और पौधे का जड़ में कोई बीमारी नहीं लगेगा जब मैं करेला लगाऊंगा। ज़्यादा दवा यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा, और एक लीटर पानी एक पौधे के लिए पर्याप्त है। तो चलिए कैसे क्या करता हूँ ये वीडियो के अंत तक बने रहें, तब जाके आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छा से आप भी खेती कर सकते हैं। इस तरह से दवा से जब उपचारित करके पौधा लगाएंगे तो आपका जो भी पौधा लगेगा वो पौधा तंदुरुस्त रहेगा और अच्छा बढ़वार मिलेगा उसको। तो इस तरह से आपको 4 इंच से 5 इंच का गड्ढा खोद लेना है 4 फीट के ऊपर, जो लाइन पौधे से पौधे की दूरी रहेगा वो 4 फीट बहुत है और लाइन से लाइन की दूरी है वो भी 4 से 5 फीट आप रख सकते हैं अपने फसल के अनुसार। तो साइड में प्याज का नर्सरी है, आपको दिख रहा होगा। तो इससे ये फायदा है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो इस मॉडल से आप खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। प्याज का नर्सरी निकल जाने के बाद इस खेत को अच्छी तरह से जुताई कोड़ाई करने के बाद खाद डालेंगे और इसका बेड बना करके फिर इस पर मचान लगेगा। और जब तक ये प्याज निकल चुका रहेगा और आपका खेत खाली हो गया रहेगा और आप अच्छी तरह से बेड बना के मचान लगा के और करेले का फसल अच्छी उपज आपको मिलेगा। तो इसका भी वीडियो आगे मिलेगा किसान दोस्तों। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो इस तरह से आप पूरे खेत में गड्ढा कर लेंगे और जितना पौधा आपके पास होगा, और जो मैंने मैनको जैम कार्बेंडा जैम का घोल पानी बना रखा है तो 1 लीटर पानी मैंने इसमें गड्ढे में डाल दिया और इस गिलास को अपने किसी ब्लेड से काट लेना है, उसे थोड़ा हाथ बचा करके जो हाथ में ना लग जाए, और इस तरह से जो उसका थल्ला होता है उसमें से आपको निकाल लेना है। और जितना लंबा थल्ला है उतना ही गहरा गड्ढा होना चाहिए, और ज़्यादा गहरा गड्ढा होगा तो आप मिट्टी थोड़ा उसमें डाल के उसके हिसाब से आप बना लेंगे जो आपका पौधा मिट्टी के अंदर ना दब जाए। जब बेड बनाएंगे तो इतना ऊंचा कम से कम बेड बन जाना चाहिए और ऊपर से पानी देने का अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मौसम ठंडा है। और जो मैंने पानी दिया है इस पौधे को 5 दिन तक पर्याप्त है, उसके बाद आप जैसे मैं अपने प्याज के नर्सरी में पानी दूंगा तो इसको भी पानी मिल जाएगा।
इसको अलग से हमें पानी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पूरे खेत में अपना करेले का जो नर्सरी है गिलास में वो आप लगा सकते हैं। तो अगली वीडियो पॉली बैग से कैसे निकालना है, तो किसान दोस्तों उसका भी वीडियो मिलेगा। जो पॉली बैग है उसको आपको काटना नहीं पड़ेगा और आपका पॉली बैग फिर दूसरे नर्सरी के लिए बच जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, तो आपको नई नई जानकारी इस पे खेती से जुड़ी हुई मिलेगा। तो किसान साथियों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और